सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। भारत की तरफ से एक बड़ी खबर आई है कि भारत ने पाकिस्तान और चीन को कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में CPEC का जो काम चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको बंद किया जाए। भारत का कहना यह है कि 1947 से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसको POK कहा जाता है, उस पर भारत का अधिकार बनता है। उस हिस्से में कोई भी देश किसी भी तरह से कोई काम करता है भारत की मर्जी के ख़िलाफ़ है और उसको इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अब जो CPEC है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। CPEC को मैं आपको मैप के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। जो कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में है, ये शिनजियांग सूबा है चाइना का, और शिनजियांग में काश्मीर एक जगह है। काशगर से यह रोड निकलती है और गिलगित बल्तिस्तान होते हुए फिर POK जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे ये राह निकलती है, सड़क चलती है, और फिर पाकिस्तान के पंजाब सूबे से गुजरते हुए ये आगे जाती है और जो बलूचिस्तान प्रांत है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत कहा जाता है, बलूचिस्तान से ये सड़क गुजरती है और फिर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आती है। ग्वादर पोर्ट और शिनजियांग प्रांत के बीच में, यानी कि काशगर और ग्वादर के बीच में, ये 3000 किलोमीटर का फासला है। अगर चीन इस रास्ते से ग्वादर तक पहुंच जाता है तो आप यह समझिए कि दरअसल वो इधर जो वेस्ट एशिया है और बाकी अरब के देश हैं, इन तक उनकी पहुंच बहुत आसान हो जाती है। ये ना सिर्फ एक व्यावसायिक फैसला है चीन का, बल्कि यह बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है चीन के लिहाज से। ग्वादर पोर्ट, अभी वो बंदरगाह के तौर पर ग्वादर का इस्तेमाल करना चाहता है अपने व्यावसायिक फ़ायदों के लिए, कि बाद में वो नेवल बेस भी बन सकता है, और फिर जो अरब महासागर, हिंद महासागर का हिस्सा है, उसमें उसकी एंट्री जो है ना बहुत आसानी से हो सकती है। अब यह जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते से चीन को क्या फ़ायदा है? चीन को दरअसल तीन बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि वो जो भारत के समुद्री हिस्से से होकर के नीचे से होते हुए और यहाँ पहुँचता था, यह 12000 किलोमीटर का जो रास्ता था वो 3000 किलोमीटर का हो जाता है, यानी कि उसकी बचत होती है। दूसरा कि वो एक ऐसे लोकेशन पर आ जाता है जहाँ से वो अरब, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों के पास जा सकता है, या यूरोप के जो देश हैं, पूर्वी यूरोप के देश हैं, उनसे उसकी नज़दीकी हो जाती है। और इस तरीके से जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, जो जिसका हिस्सा यह भी है, जो CPEC है, वह OBOR का एक हिस्सा है, और भारत ने कहा है कि ये OBOR जो है, आप प्रोजेक्ट इसको बंद कीजिए। तो यहाँ से फिर वो बाकी देशों में, ईरान, रूस, बेलारूस और आसपास के देशों में यह जा सकता है। यानी कि चीन का जो सामान आप ग्वादर तक लेकर के आते हैं समंदर के रास्ते बाकी देशों तक, या फिर यहाँ से रोड के रास्ते बाकी देशों तक आसानी से भेजा जा सकता है। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान को फ़ायदा ये है कि यह जो पूरा प्रोजेक्ट है चीन का जो चल रहा है, लगभग इसको $300 बिलियन का या $46 बिलियन का माना जाता है। इस $46 बिलियन में एक बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान को जो बुनियादी ढांचा है उसमें, रोड में, बिजली में चीन मदद करेगा, विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में भी चीन बहुत मदद करेगा। इस तरीके से जो ऊर्जा का संकट पाकिस्तान का है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में, इस तरह का समझौता है। साथ साथ एक और समझौता है कि चीन पाकिस्तान को 8 पनडुब्बियाँ देगा। यह पाकिस्तान, चूँकि पनडुब्बियों के निर्माण पर खर्च बहुत ज़्यादा आता है, तो यह जो बचत है या फ़ायदा चीन को है, इसके एवज में वो यहाँ का जो बुनियादी ढांचा है पाकिस्तान का, उसके विकास में और फिर नौसेना के लिए 8 पनडुब्बियों को दे करके पाकिस्तान को वो इस तरीके से इस सौदे में बनाए रखना चाहता है। लेकिन चूँकि ये पूरा हिस्सा जो है वो POK का होता है और ये POK के हिस्से पर भारत का अधिकार है, और भारत बार बार कहता है कि जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत की सरकार के साथ समझौता किया, उस समय उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के का भारत में विलय किया। पाकिस्तान ने 1947 में कबायलियों और फौजियों के हमले से उस हिस्से को कब्ज़े में रखा है, जो आज की तारीख में POK कहा जाता है, वो नाजायज़ है, अवैध है, और उस पर भारत का हक बनता है
इस रास्ते से कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता है जिसमें भारत की मर्जी शामिल ना हो, और ये गलत है। इसलिए जो OBOR प्रोजेक्ट चीन का है, CPEC का हिस्सा, मतलब CPEC जो OBOR का हिस्सा है, उस पर काम तुरंत बंद किया जाए। भारत का एतराज़ ये इसलिए भी आया है, ठीक एक दिन बाद आया है, कि चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए थे और उन्होंने पाकिस्तान में कहा था कि कश्मीर पर जो भारत सरकार का फैसला है वो फैसला एक तरफा है, गलत है। और भारत ने आज उसी का जवाब दिया है चीन को। भारत बार बार कहता रहा है, बल्कि चीन को यह बात समझनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने जब इनफॉर्मल बैठक बुलाई थी, उस बैठक में वो अकेला पड़ गया था, अलग थलग पड़ गया था, और बाकी जो देश थे वो भारत के साथ खड़े हुए थे। चीन की मजबूरी यह है कि वो पाकिस्तान के साथ अगर अपना समर्थन नहीं जताता है तो उसका यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो पानी में चला जाएगा और वो पूरी तरीके से मतलब हाथ से निकल जाएगा, लिहाजा वो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। लेकिन चीन के विदेश मंत्री के एक दिन पहले दिए गए बयान के खिलाफ भारत का यह बयान कि POK में जो CPEC का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को फौरन रोका जाए, यह भारत के हिस्से में आता है जिसको पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जे में रखा है, यह एक मजबूत स्टैंड है भारत सरकार का। और चीन को कहीं ना कहीं भारत ने आंख दिखाई है, उसको बताया है कि तुम्हारा जो कूटनीतिक रवैया है उस रवैये का जवाब देना हमको भी आता है, और यह एक सीधा टकराव है। और मुझे लगता है कि हाल के दिनों में डोकलाम के बाद, 2 साल के बाद, भारत सरकार ने चीन के साथ एक बार फिर सीधी टक्कर मोली है, और यह चीन को एक सीधा जवाब है जिसका संकेत पेचिंग और इस्लामाबाद दोनों को समझ में आ रहा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।